हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे नागमणि से जुड़े कुछ अनसुलझे रोचक रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में नागमणि को केवल एक कोरी कल्पना मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं में मणियों में एक बार नहीं कई बार जिक्र किया गया है। मणि अपने आप में एक रहस्य है। जिसके पास मणि होती है वह दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता है, सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती है। व्रत संहिता ग्रंथ के अनुसार संसार में मणिधारी नाग मौजूद हैं, लेकिन वह बहुत ही दुर्लभ होते हैं और इसलिए इंसान मणि के बारे में यकीन नहीं कर पाते हैं। आज हम जानेंगे नागमणि से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। नंबर एक, भगवान भी धारण करते हैं मणि। जी हाँ, रामायण में वर्णन मिलता है कि लंकापति रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वहीं महाभारत में अश्वत्थामा के पास भी एक मणि थी जिसके बल पर वह काफ़ी पावरफुल, काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उसके माथे से वो मणि निकाल ली थी। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा चिंतामणि को धारण करते हैं, भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि को और भगवान शिव रुद्रमणि को धारण करते हैं। बृहत संहिता में एक ग्रंथ में मतलब बताया गया है कि सर्पमणि, जिसे नागमणि के नाम से जाना जाता है, वे नाग के सिर पर स्थित होती है, जिसकी चमक इतनी तेज होती है कि आसपास टूटते तारे जितनी रोशनी हो जाती है। ये जिसके पास होती है उसके पास तमाम अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं। ये नागमणि मोर के कंठ और अग्नि के समान चमकीली होती है। नागमणि जिसके पास होती है उसको कभी भी विष का प्रभाव नहीं पड़ता और वह सदैव रोग मुक्त होता है। इसके अलावा और भी कई मणियों का उल्लेख ग्रंथों में किया गया है। पुराणों में पारसमणि, नीलमणि, कौस्तुभमणि, चंद्रकांतामणि और संयंतमक मणि, स्फटिक मणि, श्यमतक मणि और लाजवर्त मणि, घृतमणि, तैलमणि, भीषम मणि, उल्लोक मणि और उपलक मणि, मासर मणि, ये बहुत सारी मणियाँ हैं। इन मणियों का उल्लेख बृहत संहिता ग्रंथ में बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी नागमणि से जुड़ी हुई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ा के शेयर कर सकते हैं ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। हर हर महादेव।